सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। यहाँ पे ना एक अकाउंट था इलॉन जेट करके, ठीक है, जिसको जो जैक स्वीनी चलाता था, जहाँ पे वो क्या करता था ना, इलॉन मस्क का जो प्राइवेट जेट है उसका वो लोकेशन डालता था। मतलब वो प्राइवेट जेट कहाँ टेक ऑफ हुआ, कहाँ लैंड हुआ है ना, जितने पब्लिकली अवेलेबल फ्लाइट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू वो इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट का लोकेशन पता करता था। एंड वो खुद ट्वीट नहीं करता था, उसने जो बॉट सेटअप करके रखा था, मतलब कि ऑटोमेटिक हो जाता था चीजें ना। तो अभी वो बंदा आ चुका है ट्रबल में। यस, उसका अकाउंट तो अभी सस्पेंड हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर से लीगल एक्शन भी लिया गया। सबसे पहले इलॉन मस्क एक ट्वीट करके बताया कि कोई भी अकाउंट है ना जो कोई दूसरे बंदे का रियल टाइम लोकेशन डालता है ट्विटर पर, उसका अकाउंट को जो सस्पेंड किया जाएगा। मतलब कि डाल सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा लेट करके, रियल टाइम नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल, मैं मुंबई एयरपोर्ट में पहुंच गया, उसके आधे घंटे बाद तुमने पोस्ट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा या फिर मुंबई पहुंचने के 5-6 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मेरा लोकेशन ट्वीट कर दिया, फिर वैसे टाइप के अकाउंट को सस्पेंड किया जाएगा। तो यहां पे इलॉन मस्क एक और ट्वीट किया, जहां पे वो बताया कि लास्ट नाइट उनके बेटे कार में जा रहे थे ना, एक बंदा उनका पीछा कर रहा था ना, जिसने बाद में जाके वो कार को ब्लॉक भी कर दिया इलॉन मस्क के बेटे का, एंड वो कार के हुड वगैरह में भी चढ़ने लगा था। नीचे वो लिखते हैं, लीगल एक्शन इज बीन टेकन अगेंस्ट स्वीनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु सपोर्टेड हार्म टू माय फैमिली। फिर उसके बाद वो बंदा का वो वीडियो भी दिखाया जो कि इलॉन मस्क के बेटे का पीछा कर रहा था, वो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो ना। एंड वो लिखे, एनीवन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन ऑन कार। बाकी यस, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, सौरभ जोशी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि अभी उत्तराखंड के लोग जो है सौरभ जोशी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक व्लॉग में यह कह दिया था कि हल्द्वानी को लोग जो है मेरी वजह से जानते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया था, जिसके बाद बवाल हो गया, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे थे। तो उसके ऊपर सौरभ जोशी आज के व्लॉग में रिएक्ट करें। यस, वो अपोलोजाइज भी किया, आप देखिए वो क्या कहे। तो भी गाइस, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं भी एक दो दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक व्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे व्लॉग के थ्रू, मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे व्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को, बस मैंने ये बोला था। मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं, तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। अच्छा, मैं प्रोटेस्ट का बात हो रही था, बात करते पठान मूवी के बारे में। तो पठान मूवी के अगेंस्ट में भी जो है मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने पठान का जो सॉन्ग था बेशरम रंग, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि बेशरम रंग जो सॉन्ग है उसके लिरिक्स को जो है करेक्ट करो, और जो सैफरन एंड ग्रीन कलर के जो कपड़े पहने गए उसको भी जो करेक्ट करो, नहीं तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि पठान जो मूवी है उसका स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश में होगा कि नहीं। इनडायरेक्टली ये बताते हुए कि अगर वो दो चीजें करेक्ट नहीं करते देन फिर पठान मूवी जो है मध्य प्रदेश में बैन किया जा सकता है। वही उसी की वजह से जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है ना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद जो कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी, जहां पे वो जो एक बंदे का व्हाट्सएप चैट दिखाई जो कि उनका ब्रोकर हुआ करता था 3 साल पहले, और वो जो रैंडमली मैसेज करने लगा, थ्रेट्स वगैरह देने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर कर दूंगा ऐसा। यहाँ पे वो जो ब्लेम हिंदुस्तानी भाव को डाली कि हिंदुस्तानी भाव की वजह से उस बंदे में ये हिम्मत आया कि वो जो उर्फी जावेद को धमकी दे ना, क्योंकि आपको पता होगा हिंदुस्तानी भाव भी जो है उर्फी जावेद को वार्निंग देते कि जो वो कपड़े पहनती है वैसा ना पहने, सुधर जाए ऐसा करके। वो उस बंदे का फोटो भी शेयर करती है, जहां पे वो लिखते हैं कि वो जो अभी इंडिया में नहीं, तो फिर वो उसके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट फाइल कर देती। फिर वो एक और स्टोरी पोस्ट करते जहां पे वो बताती कि उनको जो डेली थ्रेट्स वगैरह आते हैं ना, मारने का थ्रेट या फिर करने का थ्रेट, उनके लिए वो नया नहीं है, मतलब डेली आता है और उनको उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता ऐसा वो बताया। कोई उनको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है थ्रेट्स देते हुए, वो चीज उनको डरा नहीं सकता ऐसा यहाँ पे होता है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। गाइस, आपको पता होगा आजकल वीडियो एडिटिंग करके लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो फिर आप यूज कर सकते हो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। इस सॉफ्टवेयर में बता दूं बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स पर नहीं मिलेगा। एंड ये सॉफ्टवेयर बता दूं बहुत ही इजी टू यूज है, चाहे आप में जीरो एडिटिंग स्किल्स ही क्यों ना हो। भाई, इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे वीडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑल्सो इसके थ्रू आप जो है लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एंड और भी इसी तरीके के बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे गाइस, इसमें आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसमें एडिट भी कर सकते हो। हमारा जो नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है उसमें हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बस वीडियोस को एडिट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें आप जो स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ साथ एडिट भी कर सकते हो। और इसके थ्रू आप जो अपना खुद का 3D वर्चुअल अवतार भी बना सकते हो। भाई, अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना वीडियो में देन फिर आप जो है अवतार का यूज करके है ना वीडियो बना सकते हो। इस ऐप में इतने सारे फीचर्स है कि आपके वीडियो एडिटिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा ये। तो अगर आप भी बनना चाहते हो वीडियो एडिटर एंड कमाना चाहते हो पैसे, देन फिर वंडरशेयर डेमो क्रिएटर का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके जरूर से चेकआउट करें। तो चलिए अगली अपडेट का, विवेक अग्निहोत्री वर्सेस अनुराग कश्यप के बारे में। आपको पता होगा ये दोनों ही जो काफी पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं। विवेक अग्निहोत्री का फिल्म द कश्मीर फाइल्स आपको पता होगा कितना हिट हुआ था, और अनुराग कश्यप का गैंग्स ऑफ वासेपुर आपको पता होगा। तो ये दोनों के बीच में हो चुका लड़ाई। बेसिकली अनुराग कश्यप एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि आजकल सारे लोग जो पैन इंडिया मूवी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5-10% फिल्म्स ही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा अनुराग कश्यप बताया। वो बता
जाती है कि कंतारा है, फिर पुष्पा जैसे फिल्म जो है लोगों को एनकरेज करता है उनका खुद का स्टोरी सामने लाने के लिए। लेकिन कोई अगर KGF 2 जैसे सिमिलर मूवी बनाना चाहते हैं तो डिजास्टर होता है वो बताए। बेसिकली उनका कहना है कि स्टोरीज पे ध्यान दो ज्यादा करके ना, ब्लॉकबस्टर मूवीज जो है उनकी तरह बनाने का कोशिश मत करो, स्टोरीज पे ध्यान दो उनका कहना है। तो इसके ऊपर जो विवेक अग्निहोत्री रिएक्ट करे, आई टोटली डिसएग्री विद द व्यूज ऑफ बॉलीवुड्स वन एंड ओनली माय लॉर्ड, डू यू एग्री। उसका जो अनुराग कश्यप रिप्लाई किया, सर आपकी गलती नहीं है, आपकी फिल्मों की रिसर्च भी ऐसी होती है जैसे आपकी मेरे कन्वर्सेशंस पे ट्वीट है, आपका और आपकी मीडिया का भी सेम हाल है, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सीरियस रिसर्च कर लेना। उसका जो विवेक अग्निहोत्री रिप्लाई किया, भोलेनाथ आप लगे हाथ साबित कर ही दो कि द कश्मीर फाइल्स का 4 साल का रिसर्च सब झूठ था, गिरिजा टीकू बीके गंजू एयरफोर्स किलिंग नदी मार्ग सब झूठ था, 700 पंडितों के वीडियो सब झूठ थे, हिंदू कभी मरे ही नहीं, आप प्रूफ कर दो दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो ऐसे ही था बेसिकली दोनों का कंट्रोवर्सी। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब अगली अपडेट है लियोनेल मेसी के बारे में। तो लियोनेल मेसी का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है, यस जस्ट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको बताओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जो है ये लास्ट वर्ल्ड कप था, एंड मेसी ने भी जो है कंफर्म कर दिया कि ये उनका लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी हमें कभी वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं दिखेंगे। खैर अभी भी अर्जेंटीना के पास चांस जीतने का है ना, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का फाइनल होने वाला है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, दुष्यंत कुकरेजा के बारे में। तो दुष्यंत कुकरेजा अपना चैनल का 2022 का स्टैट्स शेयर किया जो कि यूट्यूब अभी सारे यूट्यूबर्स को मेल कर रहा है ना, मेरा दिमाग फटके भाई यहाँ पे आ गया था। वो स्टैट्स आप देख सकते हो, उनके 2022 में 8.3 बिलियन व्यूज आए थे, टोटल सब्सक्राइबर्स उनके गेन हुए 12.1 मिलियन, टोटल लाइक्स उनके वीडियोज में आप देख सकते हो 441 मिलियन लाइक्स, जो कि मतलब काफी खतरनाक है। बाकी मेरा भी स्टैट्स आप देख सकते हो ना, काफी प्यार दिया 2022 में, वन ऑफ द बेस्ट ईयर था मेरे लिए, और भी बेस्ट होता अगर मैं एक कार खरीद लेता तो, लेकिन ड्यू टू सम स्पिरिचुअल रीजंस मैं नहीं खरीद पाऊंगा इस साल, लेकिन 2023 के जुलाई तक मैं जरूर खरीदूंगा एक। बाकी यस वन सेकंड थैंक यू सो मच यार, इतना सारा प्यार करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, देखते हो ना, कमेंट्स वगैरह करते हो, अच्छा लगता है यार। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में, राउंड 12 के बारे में। तो राउंड 12 का जॉम्बीज पार्ट 2 का टीजर जो है 15th ऑफ दिसंबर को आ जाएगा, यस उन्होंने खुद अनाउंस करके बताया जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो टीजर आएगा उसके 3-4 दिन बाद शायद से उनका वीडियो भी आ जाएगा, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में, अनअकैडमी के फाउंडर के बारे में। तो इनसे रिलेटेड काफी फनी न्यूज है, ठीक है। तो ना कुछ ट्वीट्स किए थे जहाँ पे बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट कर रहे, ठीक है, किस चीज का पता नहीं, पता होता अगर मुझे पैसे मिलते तो। यहाँ पे आप देख सकते हो सागर चौहान का, उन्होंने जो सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर दिखाया, तो जिनका फोटो वहाँ पे यूज किया गया ना, उनका नाम है मनु एस पिल्लाई, ठीक है। तो उनका नाम जो है सागर चौहान नहीं है, वो कहे अपेरेंटली आई एम सागर चौहान सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर, नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, समवॉट मिफ्ड दैट आई हैव सच अ जेनेरिक फेस, इट गेट्स लिफ्टेड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रैंडम एडवर्टीजमेंट्स। यहाँ पे वो बताया ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि उनका फोटो यूज कर रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, शायद से बिना उनके परमिशन से किया गया होगा। ऐसा सिमिलर टाइप का पास्ट में भी हुआ था उनके साथ, जहाँ पे उनका फोटो यूज किया गया था लेकिन उनका नाम अलग लिखा गया था, मोहित गौर। मेरे को तो काफी फनी लगा था भाई जब मैंने पहली बार ये ट्वीट देखा था। तो वैसे आजकल बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।